प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम लेखिका मृदुला गर्ग जो है उनका संस्मरणात्मक पढ़ेंगे। कक्षा नवी विषय हिंदी, प्रकरण है हमारा मेरे संग की औरतें। इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा और आज हम इसका भाग फर्स्ट पहला भाग पढ़ेंगे, मेरे संग की औरतें। मेरे यानी लेखिका जो है मृदुला गर्ग, उसके साथ की जो औरतें हैं उसके लिए वो कह रही है मेरे संग की औरतें। समकालीन हिंदी कथा साहित्य की महत्वपूर्ण लेखिका है मृदुला गर्ग। यहाँ पर ये जो लेखिका है मृदुला गर्ग, इन्होंने संस्मरण लिखा है, यानी इनके साथ जो भी औरतें थी इनके परिवार की, जैसे इनकी दादी, इनकी माँ, इनकी परदादी जो भी थी उन सब के लिए कहा है। इनका जन्म 1938 में हुआ। समकालीन हिंदी कथा साहित्य की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर मृदुला गर्ग का जन्म कोलकाता में हुआ और 1938 में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया अर्थशास्त्र में, एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स। भारत के विभिन्न शहरों में रहने के बाद साहित्य के अलावा उन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे। मृदुला गर्ग ने कथे यानी जो कहा है और जो रचना की है दोनों का, यानी कि कहानी और गद्य और काव्यांश दोनों स्तरों पर इन्होंने रचनाएं की है। और गद्य लेखन की जो परंपरा है, जो परिपाटी चली आ रही है, उसे तोड़ने का कार्य किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है उसके हिस्से की धूप, अनित्य, चित्त कोबरा, कठगुलाब, ये इनके उपन्यास हैं। संगति विसंगति दो खंडों में संपूर्ण कहानियां इन्होंने लिखी है। रंग ढंग चुकते नहीं सवाल, इनके निबंध संग्रह है। यहाँ पर लेखिका जो है मृदुला गर्ग, इन्होंने जो संस्मरण लिखा है यानी जो पुरानी स्मृतियाँ हैं, यादें हैं, उन्हें ताज़ा किया है इस लेख के माध्यम से। इनके साथ की जो भी औरतें हैं, जैसे इनकी माँ है, दादी है, परदादी है, और भी औरतें हैं, तो उनके साथ इनका व्यवहार कैसा रहा, वो किस प्रकार की महिलाएं थी और किस प्रकार से अपने दायित्व को निभाते हुए इन्होंने अपना लेखन कार्य शुरू किया। तो यहाँ पर ये जो पुरानी यादें हैं, जो स्मरण हैं, उन्हें लेख के माध्यम से व्यक्त कर रही है। यहाँ पर ये भी मृदुला गर्ग जो लेखिका है अपनी दादी से, नानी से जो भी बातें होती है उनको बताती है। लेखिका कहती है, मेरी एक नानी थी, जाहिर है प्रकट होता है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। यानी लेखिका की जो नानी थी उसे लेखिका ने नहीं देखा था। क्यों नहीं देखा था? क्योंकि जब इनका जन्म हुआ इससे पहले ही लेखिका की नानी की मृत्यु या निधन हो चुका था। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए लेखिका ने नानी को देखा नहीं था। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानियाँ नहीं सुनने के कारण लेखिका स्वयं कहानियाँ लिखने लग गई। नानी से कहानी भले ही न सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका
असली मर्म समझ में आया। मर्म यानी उसका भेद रहस्य समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक है, यानी पुराने रीति रिवाजों के अनुसार जीवन यापन करने वाली अनपढ़ पर्दानशी। पर्दानशी का अर्थ होता है पर्दा करने वाली स्त्री या पर्दा करने वाली औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़ करके और बैरिस्ट्री यानी वकालत पढ़ने विलायत चले गए थे। विलायत यानी इंग्लैंड चले गए थे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर। यानी कि अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा, न उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। यहाँ पर लेखिका बताती है कि इनकी लेखिका की जो नानी है वो पुरानी परंपराओं के अनुसार जीवन यापन करने वाली अनपढ़ और पर्दा करने वाली औरत थी। जब लेखिका की नानी की शादी हुई तो शादी होते ही इनके नाना यानी नानी के पति इन्हें छोड़ करके इनकी नानी को छोड़कर और इंग्लैंड चले गए वकालत करने। वहाँ से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर के जब वो वापस आए तो वो विलायती यानी कि जो पश्चिमी संस्कृति है, इंग्लैंड की जो संस्कृति है उसके वहाँ के रीति रिवाज के अनुसार ही जीवन जीने लगे। इसका नानी पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी किसी भी इच्छा को, पसंद नापसंद को अपने पति के सामने प्रकट नहीं किया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, यानी इनकी लेखिका की नानी की उम्र अधिक नहीं थी और कम उम्र में ही जब उनकी मृत्यु निकट आई तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी, इनकी 15 साल की इकलौती बेटी थी यानी लेखिका की माँ की शादी की फिक्र शब्द का अर्थ होता है बहुत बोलने वाली जो होती है। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती है। लेखिका की नानी ने लेखिका की माँ की शादी करने के लिए जो इनके पति के दोस्त थे प्यारे लाल जी, वो स्वतंत्रता सेनानी थे, लेखिका की माँ उनसे मिलना चाहती थी। क्यों मिलना चाहती थी? क्योंकि वो उनकी इकलौती बेटी की शादी यानी कि इंग्लैंड के रीति रिवाज संस्कृति को अपनाने वाले लड़की के साथ नहीं करना चाहती थी विवाह, और स्वतंत्रता को, आज़ादी को बनाए रखना चाहती थी। सब हैरान रह गए कि जिस पर्दानशी औरत ने पराए मर्द से किया, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी। यानी लेखिका की जो नानी थी उसने इच्छा जाहिर की कि मेरी इकलौती बेटी की शादी किसी स्वतंत्रता सेनानी या फिर स्वतंत्रता के बारे में विचार रखने वाले ऐसे व्यक्ति से करना चाहती हूँ। और जो स्वतंत्रता सेनानी थे प्यारे लाल जी, इनके पति के दोस्त, उन्हें बुला करके और बात की तो यहाँ पर सभी लोगों को आश्चर्य हुआ। क्यों हुआ आश्चर्य? क्योंकि जो पर्दा करने वाली औरत थी वो पराए मर्द से तो क्या, अपने पति से कभी बात तक भी नहीं करती थी। और कहना चाह सकती है, पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज
रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर के दोस्त को लेकर के आ गए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया, बीवी के सामने पेश कर दिया। अब वो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। कौन हैरत अंगेज यानी आश्चर्यजनक था? कौन? स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल जी, यानी कि जो नानी है उसके पति के दोस्त। उन्होंने कहा वचन दीजिए, यानी लेखिका की नानी ने प्यारेलाल जी से कहा कि वचन दीजिए मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। यानी वर होता है ना शादी के लिए लड़का दूल्हा, मेरे पति तो साहब है और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। फरमाबरदार का अर्थ होता है आज्ञाकारी, यानी जो अंग्रेज सरकार की आज्ञा का पालन करता हो ऐसे लड़के से मेरी बेटी की शादी हो, ये मैं नहीं चाहती। ये कौन कह रही है? लेखिका की नानी। किससे कह रही है? स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल जी, जो उनके पति के मित्र थे। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न बन रहा है लेखिका की नानी, यानी कि जो हमारे देश को आज़ाद करवाने की भावना रखता हो, स्वतंत्र करवाने की भावना रखता हो, कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी भी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होगी, निजी यानी स्वयं के जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, कोई हस्तक्षेप नहीं किया, न उसमें साझेदारी की, नहीं हिस्सेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती रही। लेखिका की नानी जो है परंपरागत तरीके से अपने अनुसार जीवन यापन करती रही, अपनी ज़िंदगी अपना जीवन जीती रही। यहाँ पर लेखिका की नानी के जो पति है वो विदेश से वकालत करके आए हैं, लेकिन नानी जो है लेखिका की, उन्होंने न तो उनके रीति रिवाजों को अपनाया, न ही उन्हें उनका विरोध किया और अपने अनुसार अपना जीवन जीती रही। पारंपरिक यानी परंपराओं के अनुसार घरेलू उबाव और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। लेखिका की जो नानी थी वो सोचती थी कि और जीवन यापन किया जाए। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रश्न है हमारा कि लेखिका की माँ की शादी किससे हुई, वो कैसा लड़का था? तो यहाँ पर उसकी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में, यानी आज़ादी के लिए जो आंदोलन हो रहे थे उसमें हिस्सा ले जब उस लड़के ने लिया तो इसके अपराध में जो अंग्रेज सरकार थी उसने यानी इंडियन सिविल सर्विस ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया, जिसकी जेब में
पुस्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। पुस्तैनी यानी जो हमें पैतृक यानी अपने पूर्वजों से प्राप्त जो धन प्राप्त होता है। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हो गई। यानी लेखिका की माँ गांधी जी के सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीने वाली सादा जीवन उच्च विचार रखने वाली महिला थी। ये इसकी विशेषता है लेखिका की माँ की। हाल उनका ये कमर कनका खा जाती थी यानी कमर में चोट लग जाती थी या फिर मुड़ जाती थी, दर्द होता था। रात रात भर जाकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती थी। साड़ियाँ होती है बहुत बड़ी बड़ी। लेखिका की जो माँ है वो दुबली पतली औरत, तो यहाँ पर वो रात रात भर जाकर के साड़ी पहनने का अभ्यास करती थी जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। यानी दिन के समय साड़ी पहनते समय लज्जित नहीं होना पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी लेखिका की दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी। जिस प्रकार से छीका होता है ना, तीन डोरियों से बंधा हुआ जिसमें दूध दही छाछ मक्खन आदि रख दिए जाते हैं, वहाँ ऊपर बांधा जाता है ताकि वहाँ पर कुत्ते बिल्ली की पहुँच ना हो। तो यहाँ उसी के ऐसे ही लेखिका की दादी ने लेखिका की माँ को बताया है कि हमारी बहू तो किसकी तरह है, छीके की तरह है जो धोई पोछी और मानो छीके पर टांग दी। कहने का मतलब यह है, कहने का अर्थ है कि लेखिका की जो माँ है वह बिल्कुल कमज़ोर और दुबली पतली औरत है। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। यानी किसी ने भी उन्हें छीके से उतारने की कोशिश प्रयास नहीं किया। अर्थात कहने का अर्थ है कि अपने जीवन और जो और थे दूसरी औरतें थी या परिवारजन थे उन्होंने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, ध्यान देने का प्रयास नहीं किया। तो यहाँ पर ये जो संस्मरण लिखा है, यहाँ पर मृदुला गर्ग ने लेखिका ने उसमें मेरे संग की औरतें शीर्षक क्यों दिया, आपको यह समझ में आया होगा क्यों दिया। क्योंकि लेखिका के साथ जो औरतें रही यानी उसकी परदादी दादी लेखिका की नानी माँ और भी जो भी महिलाएं थी, तो यहाँ पर उनका व्यवहार कैसा था, उनके कार्य क्या थे, उनकी क्या भूमिका थी, यह सब इस संस्मरण में लेखिका की जो लेखिका जो है उसने बताया है। इसमें अपने नानी के बारे में लेखिका ने बताया कि लेखिका की नानी जो है वो पुरानी परंपराओं के अनुसार जीवन यापन करने वाली है। शादी होते ही उनके पति उन्हें छोड़ करके और इंग्लैंड वकालत करने चले जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो जो लेखिका की नानी हैं वो उसके विचार नहीं बदलते, ना तो वो जो विलायती संस्कृति है जो उसके पति अपने साथ लेकर आए हैं वहाँ के रीति रिवाज संस्कृति न तो उन्हें अपनाती है न ही उनका विरोध करती है। परंपरा के अनुसार उसकी माँ के लिए लड़का ढूंढना चाहती है, शादी के लिए वर ढूंढना चाहती है, तो
तो उनके पति के जो मित्र हैं प्यारे लाल जी, उन्हें बुला करके और लेखिका की जो नानी है उनसे कहती है कि मेरी लड़की के लिए कोई ऐसा वर चाहिए जो अंग्रेज़ों का आज्ञाकारी नहीं हो, यानी जो अंग्रेज़ों की आज्ञा को नहीं माने और स्वतंत्रता का पक्षधर हो। ऐसे लड़के से लेखिका की नानी लेखिका की माँ की शादी करना चाहती थी। ये प्रसंग हमने इस में इस पैराग्राफ में पढ़े हैं और यहाँ तक लेखिका पर्दानशी होते हुए भी, यानी पर्दा करने वाली औरत होते हुए भी और इस तरह के स्वतंत्रता की पक्षधर होने का दावा करने वाली स्वतंत्रता की पक्षधर थी और किस प्रकार से उसने अपना जीवन यापन किया इस प्रसंग में बताया है। तो यहाँ तक ये जो संस्मरण यानी जो यादें हैं, जो स्मृतियाँ हैं, किसकी, यानी कि लेखिका की, उसने अपनी नानी के बारे में, अपनी माँ के बारे में बताया है। आज के लिए इतना ही और आगे का जो भाग है वो हम कल पढ़ेंगे। पढ़ते रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर कीजिए, पढ़ा कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।